आपको ध्यान होगा, चार दिन पहले हमने 26 जनवरी रिपब्लिक डे प्रोग्राम के बारे में आपको कुछ बताया था। आप में से साथियों ने पूछा था कि जी एग्जैक्टली क्या होगा। हमने कहा था 17 तारीख को मीटिंग है, 17 तारीख को मीटिंग में हम फैसला लेंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे। तो उसी के हिसाब से आज हमने जो तय किया है उसके 5 सूत्र मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। यही बात हम एक लिख के अंग्रेजी में भी रिलीज कर देंगे। पहला, पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड का आयोजन दिल्ली के भीतर किया जाएगा। 2 तारीख को हम घोषित कर चुके थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये परेड होगी, दिल्ली के अंदर होगी। जवान के साथ किसान भी गणतंत्र दिवस पर गण की संप्रभुता का उत्सव मनाएगा। गणतंत्र दिवस क्या है? गण ऊंचा है, बाकी सब छोटा है, जनता ऊंची है, सर्वोच्च है, उसे हमारा जवान मनाता है यूनिफॉर्म पहन के। लेकिन ये जो जवान है ये तो यूनिफॉर्म में किसान है, तो किसान भी मनाएगा अपने गण की संप्रभुता का उत्सव। पॉइंट नंबर 1। 2, यह परेड आउटर रिंग रोड की परिक्रमा कर आयोजित की जाएगी। ये जो आउटर रिंग रोड दिल्ली की है, पीरागढ़ी से जनकपुरी, धौलाकुआं, मुनिरका, IIT, खेलगांव, चिराग दिल्ली, नेहरू प्लेस, ओखला, मजनू का टीला, बुराड़ी, आजादपुर, रोहिणी, ये वाली जो बाहर वाली रोड है 50 किलोमीटर के करीब है, इसकी परिक्रमा करके आयोजित की जाएगी। हम आशा करते हैं कि दिल्ली और हरियाणा का पुलिस प्रशासन इस आयोजन में कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा। हम आप सबके माध्यम से सूचना दे रहे हैं, हमारा ये फैसला है, हम देश को और जनता को, अपने साथियों को, सबको खबर दे रहे हैं। 3, यह परेड पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगी। किसी भी किस्म के हथियार, हिंसक कार्रवाई और भड़काऊ भाषा पर बिल्कुल मनाही रहेगी। यह हमने पिछली बार भी कहा था, शांति इस आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार है। आज उस शांति की बदौलत पंजाब के किसानों ने हासिल किया और पिछले 2 महीने से शांतिपूर्ण आंदोलन से ही हमने हासिल किया, इसको किसी भी कीमत पे हम छोड़ेंगे नहीं। 4, गणतंत्र दिवस परेड में कोई विघ्न नहीं डाला जाएगा। ये जो औपचारिक राजपथ पे गणतंत्र दिवस की परेड होती है उसमें किसी किस्म का कोई विघ्न, कोई उसमें डिसरप्शन, कोई उसके अंदर गड़बड़ी बिल्कुल नहीं डाली जाएगी। किसी राष्ट्रीय स्मारक या प्रतीक पर हमला, कब्जा करने की कोई कोशिश नहीं होगी। ये सब इसलिए कहना पड़ रहा है, वो कभी लाल किले की बात हो जाती है, कभी राजपथ की बात हो जाती है, कभी पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात हो जाती है। हम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ऐसे किसी, ये सब हमारे सम्मान के प्रतीक हैं, इस पे कब्जा, हमला, धावा कोई ऐसी हमारी नियत नहीं है। हर वाहन पर, चाहे ट्रैक्टर हो, कोई भी और व्हीकल होगा, हर वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज और साथ में किसी भी किसान संगठन का झंडा होगा। जैसा मैंने पिछली बार भी शायद कहा था, इस तिरंगे की आन बान शान को हम 1 इंच भी कम नहीं होने देंगे, इसको ऊंचाई उठाएंगे। किसी भी पार्टी के झंडे की मनाही होगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं हो। इस सब के बारे में हमने हमेशा सावधानी बरती है, वो इस मूवमेंट के दौरान भी यही होगा। 5वां पॉइंट है, देश के जिन इलाकों से लोग दिल्ली नहीं पहुंच सकते, ये तो मैंने दिल्ली के बारे में बताया, दिल्ली के बाहर, एक मिनट जाने से, ये मैंने दिल्ली का बताया आपको, दिल्ली के बाहर का बता दूं, देश के जिन इलाकों से लोग दिल्ली नहीं पहुंच सकते वहां राज्य की राजधानी या जिला स्तर पर किसान गणतंत्र परेड उपरोक्त मर्यादा के अनुसार आयोजित की जाएगी। तो जो दिल्ली के नजदीक के इलाके हैं वो तो सब दिल्ली आएंगे, जो बहुत दूर के लोग हैं जो दिल्ली नहीं आ सकते वो भी ऐसी ही किसान गणतंत्र परेड आयोजित करेंगे और वो भी इन्हीं सब बातों का पालन करेंगे जिसको हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये मैं रखना चाहता था। हम जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आ रहा है, बड़ा अजीब मामला है। आमतौर पे पुलिस प्रशासन कहती है कि आप आंदोलन नहीं करते,
कर सकते और आंदोलनकारी कोर्ट में जाते हैं कि जी हमारे को परमिशन दी जाए। यहां पुलिस कोर्ट में जा रही है कि आप मुझे कहो कि मैं इन्हें रोकूं। तो बड़ा अजीब केस है जो कि कोर्ट में आ रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी गरिमा के हिसाब से इसके अंदर डील करेगा। और यही बातें हमने एक फैक्ट के रूप में आपके सामने पहले से रख दी है देश के सामने। साथियों, आज के प्रेस वार्ता के जो मुख्य विषय है आज आपके सामने रखा गया है और इस कार्यक्रम को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे ये हमारा संक्षेप में रखाया गया है। हम थोड़ा तैयारी जो चल रहा है उसी में थोड़ा आपको बता दूं, पूरा देश में लाखों किसान इस दिवस को मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। किसान तो जनसंख्या में सबसे ज्यादा देशोप्रेमिक होता है, उससे बड़ा देशोप्रेमिक कौन होता है। और देशोप्रेम के सवाल में किसान जो आगे रहते हैं, इसलिए जनतंत्र दिवस में बहुत ही मर्यादा के साथ जैसा उसको पालन करते हैं करेंगे। साथ साथ किसान पैरेट, इसको हम नाम दिया था, कोई कोई गलत तरीका से इसको प्रेजेंट किया गया है, हम आज साफ कर दिया, ये किसान पैरेट जैसे नेशनल पैरेट होता है राष्ट्रीय गर्व के विषय, ये किसान पैरेट का मकसद यही है कि हम पूरे देश के किसान के सामने उस दिन बताएंगे कि हम किसान अन्नदाता है, हमारा दुख दर्द देखो, 4 लाख किसान खुदकुशी किया, 52 किसान रोज खुदकुशी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये जिसके अन्न से आप जिंदा रहते हैं इसका उत्पादक उसके दुख दर्द के साथी होने के लिए हम जनता को, जनतंत्र दिवस है, जनता का दिवस है, हम किसान उसके अपील करेंगे, आप आपका अन्नदाता आज खतरे में है, उसका अस्तित्व खतरे में है, उसका जिंदगी खतरे में है, आज उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। आज इस परिस्थिति में हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई हमारा मानवीय दृष्टिकोण से किसान का दुख दर्द कोई सुनने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। इस परिस्थिति से हम ये पैरेड करके देश को जनता को बताना चाहते हैं कि आप हमारा जो तकलीफें हैं अन्नदाताओं को, आप इसको समर्थन करें और इसको आए, जैसा बोले हम जब पैरेड करेंगे रिंग रोड में, हम अपील करेंगे जैसा दूसरे पैरेड में जनता हिस्सा लेते हैं, हम अपील करेंगे जनता भी रास्ता में आ जाए हजारों संख्या में और देखें कि किसान का पैरेड कैसा होता है, कैसा है इसको अपना बात देशवासी को रखना चाहता है। वो हम टैबलो भी बनाएंगे, सारे जो हमारा ट्रैक्टर होगा वो टैबलो होगा, किसान का सारे समस्याएं, उसका आंदोलन का स्लोगन, देश का एकता अखंडता का विषय, भाईचारा का विषय, आमन का विषय, ये सब जो बात के साथ एक एक टैबलो होगा। हम राज्यों को भी टैबलो बनाने का बताया है, हर राज्यों भी 29 राज्यों का भी टैबलो एक रहेगा कि ये पूरा देश का पैरेड है, पूरा देश का किसानों का पैरेड है और ये शांतिपूर्ण रूप से पैरेड होगा देशवासियों के पास अपना पैगाम पहुंचाने के लिए और हमारा जो निवेदन है जनता के पास ये रखने के लिए ये पैरेड होगा। इसलिए इसके बारे में जो गलत फहमियां प्रचार हुआ है हम इसको खंडन किया करते रहेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से एक ऐतिहासिक, ये दुनिया देखेगा, भारत में सिर्फ नहीं दुनिया देखेगा कि जनता का आजादी के पक्ष में पैरेड कैसा होता है और किस उद्देश्य से होता है, इसको ही हम प्रकट करने के लिए ये ऐलान किया है, यही हमारा ये फैसला है। मैं रणजीत सिंह राजू, ग्रामीण किसान मजदूर समिति GKS श्रीगंगानगर राजस्थान से, 26 जनवरी को किसान परेड ये तय है और किसान परेड दिल्ली के अंदर करेगा ये भी तय है, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है, हम अपनी राजधानी में जाकर परेड कर सकते हैं, संविधान में कहीं रोका गया। हाँ, रहेगी पीसफुल, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, आंदोलन में अराजक तत्व हैं, टेररिस्ट हैं, कुछ है, तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं जो NIA और सरकारी एजेंसियां लोगों को तंग करने में लगाई हैं आपने, तो आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं, जो भी यहां खालिस्तानी टेररिस्ट मिल रहा है आप उसको पकड़ के लेके जाइए,
क्या कर रही हैं वो, और जो आपने आंदोलनकारियों को जहाँ जो आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, किसी भी तरीके से उनको तंग करने का प्रयास कर रहे हो, ये आपकी जो लुम्बड़ चाले हैं सफल नहीं होंगी। बाज आ जाइए, लोकतंत्र है, लोगों की चलेगी या जन की बात चलेगी। आपकी मन की बात देश ने बहुत सुन ली, अब आपकी मन की बात नहीं चलेगी, जन की बात चलेगी। दूसरी बात, कल 18 जनवरी को महिला किसान दिवस के रूप में डे मनाया जाना है। तो राजस्थान में, मैं राजस्थान से आता हूं, राजस्थान में हमने तय किया है, यहां हमारी जथेबंदी है, बाकी को मैसेज देना चाहता हूं कि हमारी गांव की औरतें गांव में रहकर गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, धर्मस्थान पे इकट्ठे होके वहां सद्बुद्धि के मुद्दी की सद्बुद्धि के लिए भजन कीर्तन पाठ करेंगी और बाद में अरदास बेनती करेंगी जो हमारे किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं उनके नाम के, ताकि उनके घर में सुख शांति के लिए। और उसके बाद एक मार्च करेंगी गांव के बीच में, और जो शहर की औरतें हैं वो प्रत्येक शहर में अपने मोहल्ले में कहीं भी इकट्ठा होकर ये कार्यक्रम करेंगे, ये हमने तय किया है। जगह जगह ट्रैक्टर रैलियां निकल रही हैं समर्थन में, और ट्रैक्टर रैलियों को निकलने का कारण है कि वहां से लोगों को प्रेरित कर दिल्ली लाया जाए, लोग स्वेता आने को तैयार हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जो आपका मोर्चा है इतना मजबूत बन चुका है कि किसी राजनीतिक पार्टी ने बनाया होता या MLA MP का नेतृत्व कर रहे होते आज तक जो बिक गए होते, इतिहास गवाह है, बहुत मिसाले हैं। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के जो हमारे नेतागण लीड कर रहे हैं, सरकार ने हर संभव प्रयास किया, ये टूटे नहीं, ना टूटेंगे ना झुकेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। कल 18 तारीख को भी मानगढ़ जिले के पीलीबंगा मंडी में एक विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से राजस्थान वासियों को बेनती करता हूं कि आप कल पीलीबंगा की मंडी में जाकर ट्रैक्टर रैली का समर्थन कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग, एक ट्रैक्टर के पीछे एक ही ट्राली, अब दो ट्राली डालने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सामान बहुत है, सारी व्यवस्था है, एक ट्रैक्टर के पीछे एक ही ट्राली डालकर आप रवाना होइए। दारूहेड़ा जो मैसानी बराज पे अपना मोर्चा लगा हुआ है, अपने गंगानगर हनुमानगढ़ के सभी साथी वही हैं, तो आप वहां पहुंचिए, आंदोलन को बल दीजिए। 26 की कॉल नजदीक है, 26 से पहले 22, 23, 24 तक आप दारूहेड़ा मसानी बराज।